यूं साइंटिफिक मिसाल, जबर 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 इस कायनात में जो खुदा की तरफ से जबर है वो क्या है? फितरत की तरफ से जो जबर है वो क्या है? साइंटिफिक मिसाल, आपको मालूम है इस कायनात में कितनी किस्म की फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यानी, न्यूक्लियर फोर्सेस है या नहीं, वो जो आइंस्टाइन के ज़माने से चला आ रहा है मसला, वो कहते हैं इस पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में चार बुनियादी फोर्सेस हैं, चार कुव्वतें काम कर रही हैं, हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। फिर उसके बाद कोशिश हो रही यूनिफिकेशन ऑफ दी फोर्सेस की, साइंसदान इसी पे काम कर रहे हैं और अभी तक काम हो रहा है, ये सब है ना। ये सब फोर्सेस इंसान ने ईजाद की हैं अपने इख्तियार से? नहीं, ये सब फोर्सेस हैं और नाफिज होती हैं आप चाहें या ना चाहें, मगर ये तमाम फोर्सेस आपके हक में हैं या आपके खिलाफ? आपके हक में हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो इस कुरे ज़मीन पर आप ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो बस समझ लीजिए कि ये फोर्सेस हैं, ये कुव्वतें हैं, ये जबर है जो कुदरत की तरफ से है, मगर कुदरत की तरफ से जो जबर होता है वो ज़िंदगी की तकमील के लिए लुत्फ होता है।